आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में ईयरबड का, यहाँ पर एक ईयरबड है, आशीष जनरल स्टोर न्यू वर्जन M2080WS, ये एक एयरफोन है। बेसिकली ये एक ईयरबड है जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी यूनिक दिखता है, कलरफुल है, तो दिखने में काफ़ी अच्छी है। देखते हैं, 493 रुपीज़ का ये ईयरबड आता है, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। वैल्यू फॉर मनी है या नहीं वो हम इस वीडियो में देखते हैं, स्पेसिफिकेशन कैसा, फिर रिव्यू भी देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करके लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करके लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इस एयरफोन में, तो इसके जो कलर अवेलेबल है वो एक ही कलर है। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखते हैं, 493 प्राइस है, काफ़ी बेस्ट प्राइस है, दिखने में काफ़ी बढ़िया ये। और आप देख सकते हो लुक भी क्या ऑसम है यार, मतलब पूरा बहुत खतर गजब का लुक दिखता है इसका। तो यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग है, आपको केबल भी आपको साथ में आपको मिल जाएगा, और वही है जो चार्जिंग केस। आप देखते यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो कितनी है, यहाँ पर कोई अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया गया है। 2 घंटा लगते हैं चार्ज करने में। तो बेसिकली इसकी जो भी साउंड क्वालिटी है, बैटरी है, कॉल क्वालिटी कैसी है वो हमको रिव्यू में जाके पता चलेगा। तो बेसिकली इसमें ENC का सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब ये कॉलिंग के लिए आई थिंक उतना बढ़िया नहीं हो सकता। आई थिंक मतलब बढ़िया तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट जैसा ENC सपोर्ट होता है तो उसमें कॉलिंग का एक्सपीरियंस एक अलग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है। तो भाई साउंड क्वालिटी के मामले में रेटिंग काफ़ी कम है, तो लोग साउंड क्वालिटी से खुश नहीं है यहाँ पर दिख रहे हैं, बेस से भी नहीं दिख रहा है। बैटरी बैकअप देखते तो बैटरी बैकअप भी उतना दिखे, ओवरऑल देखते क्या बता रहे हैं इसके बारे में। तो नाइस प्रोडक्ट बट द साउंड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ईयर्स। ओके, तो मतलब नॉइस ज़्यादा है इसमें, हार्श साउंडिंग है। ब्रिलियंट बेस्ट प्रोडक्ट तो एक जन बता रहे, यहाँ पर अच्छा इसको रिव्यू मिला, डज द जॉब सुपर, यू कैन से ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ लाइट्स एंड इट्स साउंड इज़ फाइन। साउंड इज़ फाइन बता रहा है, इसका मतलब है कि साउंड के साथ ओके ओके वाला एक्सपीरियंस है। माइंड ब्लोइंग परचेज, डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। आई थिंक मेरे को जो लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत लोगों को डिफेक्टिव मिल रहे, बिकॉज जो रिव्यू है जो हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब नॉर्मली एवरेज किस्म का भी रिव्यू नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसके काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आई थिंक मार्केट में है, आई थिंक जो भी सेल हो रहा है, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन प्रोडक्ट का जो रिव्यू मैं देखा हूँ जिन लोगों ने भी किया है वो अच्छा ही रिव्यू रेटिंग इसका आया, कोई ऐसा कोई बुरा रेटिंग नहीं दिया गया है। तो एक एवरेज किस्म का है, मैं प्राइस को देखते फिर भी मैं कुछ ये नहीं बोलूँगा आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आपके ऊपर है। वैसे और भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर बना के रखा, वो भी एक बार आप देख सकते हो।